चॉकलेट वॉलनट फज। इसके लिए हमें चाहिए, हाय वेलकम टू संजीव कपूर खजाना, मैं हूँ शीतल। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट वॉलनट फज। चलिए नोट डाउन करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप चॉप्ड वॉलनट्स, 100 ग्राम बारीक किसा हुआ डार्क चॉकलेट, 4 बड़े चम्मच बटर, 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 1 कप खोया, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस। सबसे पहले एक एल्युमिनियम ट्रे को हम बटर से ग्रीस करेंगे। हम इस ट्रे को इसलिए ग्रीस करेंगे ताकि आपका फज आसानी से निकल जाए। अभी हम इसे साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन को गर्म करेंगे। इसमें हम डालेंगे बटर और इसको मीडियम आंच में मेल्ट करेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कसा हुआ चॉकलेट और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक ये चॉकलेट मेल्ट ना हो। ध्यान रखिएगा चॉकलेट नीचे से जले ना। लीजिए, चॉकलेट भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क इसे हम कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। चॉकलेट और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे वॉलनट्स और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे मावा और वनीला एसेंस और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम ये मिक्सचर ये ग्रीस किए हुए ट्रे में डाल देंगे। अभी हम इसे 1 घंटे तक रेफ्रिजरेट करेंगे जब तक ये सेट ना हो। चॉकलेट एंड वॉलनट फज अच्छी तरह से सेट हो चुका है। लीजिए, चॉकलेट एंड वॉलनट फज रेडी है, इसे आप सर्व कीजिए।